أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من مدكر बसमिल्लर रहीम सुर आलरान का दूसरा निसफ़ हम शुरू कर रहे हैं आयत नंबर इक्कीस से आऊदबाकी बसमिल्लर कफ़रू नबी आयातिल्ला वक़्तलो नबी जीन नबीर वलोलना यून बिलकस्ती मिननासी बशर बदीम पहले किताब का तस्करा हो रहा था कि उन्होंने अल्लाह तबारक व ताल के अकाम को पसे पुश्त डाल दिया तबारक व ताली ने उन्हें किताबें अता फ़रमाइं तोरात जबूर इन जील ये कुतब अल्लाह तर नाजल फ़रमाई और उन्हें हुक्म दिया गया कि इन पर अमल करें और सर तस्लीम ख़म कर लें लेकिन उन्होंने उस पर अमल न किया तहरीफ कर ली अपनी मर्ज़ी से उसमें तब्दीलियाँ कर ली, अपनी मर्ज़ी के मानी पहनाने शुरू कर दिए और जिस मफहम को उन्होंने मुनासब समझा वो मफहूम आगे लोगों को बताया यहाँ उनकी एक और ग़लत रविश का जिक्र किया गया और उन्हें समझाया गया कि यह तरीक़ाकार ठीक नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा उनकी ग़लत आदत का और उनके ग़लत रवैयों का और ग़लत अफ़ाल का जिक्र बयान किया गया है इन इनज़ीना यक़रूना बेशक वो लोग जो, जो इनकार करते हैं बे आयात ही अल्लाह की आयात का अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं वक़ुल नबी जी हक़ और अम्बिया कराम को ना हक कत्ल करते हैं अब ये जो लोग थे अहले किताब इन्होंने अम्बिया कराम के साथ दुश्मनी मूल्य रखी और उन्हें तंग करते रहे सताते रहे अम्बिया कराम को कत्ल करने की साजिशें करते रहे अम्बिया कराम को कत्ल करते रहे हज़रत सलातम को यहूद ने कत्ल करने की साजिश की दीगर अम्बियाई कराम का जिक्र मिलता है हज़रत ज़करी आलतम तो ये इन्हीं कामों में मसरूफ़ और मशग़ूल रहे तो जो उनका ग़लत अमल था पहला वो ये कि अम्बिया कराम का कत्ल और अल्लाह की आयात का इनकार अब अगर तौरात अल्लाह ने नाजल फ़रमाई है तो इंजील भी तो अल्लाह ने नाजल फ़रमाई है तो तौरात को मानना और इंजील को ना मानना ये किताब का इनकार है अच्छा रात और अंजील अल्लाह ना ने नाजल फ़रमाई है तो कुरान भी अल्लाह ने ही नाजल किया है तो तुरात और अंजील को तो अल्लाह की किताब समझ लेना और कुरान को अल्लाह की किताब न समझना अल्लाह की वही न समझना अल्लाह की आयात का इनकार है सो तो जब कुरान नाजल हुआ तो इन्होंने कुरान को मानने से इनकार कर दिया नबी करीम सल्ला तसम से मुतक जो तुरात और अंजील के अंदर सिफ़ात बयान की गई निशानियाँ बयान की गईं उनको मानने से इनकार कर दिया अल्लाह की आयात का तरात और इन झील में भी इनकार किया और जो कुरान में आयात आई उनका भी इनकार किया कुरान का ही इनकार कर दिया अम्बियाई कराम को ना हक कत्ल किया वक्क़लून लज़ीना यक मरून बिलक़्त मिननास और वो उन लोगों को भी कत्ल करते रहे जो उन्हें इंसाफ़ का हुक्म देते रहे जो ये कहते कि तुम हक बात करो और हक बात को कबूल करो और इंसाफ़ के साथ फ़ैसला करो जब लोग तुम्हारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे इस झगड़े का फैसला करें तो फैसला अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करो तो रात में जो चीज़ नाजिल हुई उसके मुताबिक करो जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसके मुताबिक करो लेकिन फैसला करने की बजाय जो दुरुस्त फैसला करते ये उन्हें भी कत्ल करते यानी अपनी मनमानी में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि जो चीज़ ये पसंद करते हैं वो हक़ समझते हैं और वही समझते हैं कि ये लोग हक़ समझें और जो हम बयान करते हैं वही दुरुस्त समझें फबशर हम बज़ाबिनलीम फरमाया इन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो बशारत दे दो अब दर्दनाक अजाब की खुशखबरी तो नहीं है लेकिन अल्लाह करीम करीमा कि तुम इस दुनिया के अंदर अल्लाह के अकाम की, की खिलाफ वर्जी करके खुश हो रहे हो तो फिर वो अल्लाह का जो दायमी अजाब होगा उसकी जरा खुशी महसूस करके देखो तुम्हें कैसा महसूस होता है अल्लाह का आजाब दर्दनाक होगा यही वो लोग हैं जिनके आमाल दुनिया में भी और आखरत में भी दुनिया में भी इसका कोई उनको फायदा नहीं मिलेगा और आखरत में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा वह मालूम और इनका कोई मददगार भी नहीं होगा अल्लाह तबारक व ताली को जो चीज़ इनकी नापसंद थी अल्लाह ने यहाँ बयान फरमाई अल्लाह की आयात का इनकार करना अम्बिया कराम को कतल करना और जो हक फैसला करे उससे नफरत करना और उसको कत्ल करना तो ज़रा हम अंदाज़ा लगाएँ कि कहीं अल्लाह न करे हम तो इस जुमरे में नहीं आ रहे जो हक बात करे हमें वो नापसंद है अल्लाह तबारक मताल की आयात के मुताबिक जो फैसला करने की कोशिश करे हम उसको कहते हैं कि इसको रहने दो हम वैसे अपनी बात को ख़ुद ही निपटाने निपटाने की कोशिश करते हैं दरमियान में कुरान को ना लाओ दरमियान में अदीस को ना लाओ हालाँकि हमें भी यही हुक्म दिया गया है कि हम अल्लाह के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक चलें और अल्लाह के फैसले के मुताबिक अपने मामलों का फैसला करें और जो लोग दुरुस्त फैसला करने वाले हैं उनको इज्जत दें उनका अहतराम करें और लोगों को दुरुस्त फ़ैसला करना ही काबिल कबूल होना चाहिए अल्लाह हो और उसके रसूल के चाहे वो उसको उनको पसंद हो या ना हो अलम तरा लजीना, ऊ तू नसीब मिनल किताब आपने नहीं देखा उन लोगों को जिन्हें किताब दी गई किताब का हिस्सा दिया गया युद्धाऊन अला किताबिल्ला उन्हें दावत दी जाती है अल्लाह की किताब की तरफ यानी अहले किताब को जिनको अल्लाह तबारक व ने किताब दी है अल्लाह ने अपनी वही का हिस्सा अता फरमाया है अपनी करमनवाजी फरमाई और उन पर अपने अकाम नाजल फरमाए जब उनको ये कहा जाता है आओ किताब की तरफ आओ जो अल्लाह ने हुक्म दिया है अल्लाह ने जो फ़ैसला फरमाया उसकी तरफ आओ लिया को मई ना हूँ ताकि वह तुम्हारे दरमियान फैसला करे जो अल्लाह के अकाम हैं, अल्लाह की किताब है उसके मुताबिक फैसला हो आओ उस पर अमल करने की कोशिश करें तो क्या होता है फिर एक गुरु पलट जाता है मुंह फेर लेता है वो उस फैसले की तरफ नहीं आता जो अल्लाह की किताब कर रही है जो अल्लाह की वही कर रही है वह हम और वह एराज कर रहे होते वो उस किताब के हुक्म से इराज कर रहे हैं उस अल्लाह की आयत से इनकार कर रहे हैं ये कर रहे हैं पहलू तही कर रहे हैं अच्छा बाजूक जहारी जुबान से हम इनकार नहीं भी करते यहाँ तो पहले किताब का जिक्र किया जा रहा है ना कि जुबान से इनकार नहीं करते लेकिन दिल से यही होता है कि यह फैसला ना हो तो क्योंकि ये मेरे खिलाफ जाता है अगर कुरान के मुताबिक फैसला करेंगे मेरे खिलाफ जाएगा अगर हम अल्लाह की वही के मुताबिक फ़ैसला करेंगे तो हमारे खिलाफ जाएगा तो दिल से हम यही कह रहे होते हैं कि यह फैसला ना हो अदालतों के अंदर क्या है वहां पर दोनों फरीक लड़ रहे हैं हालांकि चल एक आदमी अपना हक समझता है दूसरा भी हक समझता है तो बात समझ में आती है अब लोगों को पता है कि हम झूठे हैं लेकिन इसके बावजूद भारी भारी फीसें वकीलों को देके अदालत में उन्होंने फैसले अपनी मर्जी से करवाने की कोशिश करते हैं या वो मुकदमा लड़ रहे हैं हालांकि उनको पता है हम झूठे हैं उनको पता है हम दुरुस्त नहीं हैं लेकिन फ़कत झूठ को अपने हक में करवाने के लिए वो लड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि खुदा खौफी नहीं है अल्लाह का खौफ हमारे अंदर खत्म हो चुका है और यहाँ पर अहले किताब की इसी रविश को अल्लाह ताला ने बयान किया कि वो यही करते थे अपनी मर्जी का फैसला अपनी मर्जी की आ, उनकी प्रोग्राम ये था कि हमारी मर्जी की बात चले कभी लन तमसनार और इसके पीछे जो लॉजिक है इसके पीछे जो वजह है वो बयान की जा रही है वो क्या है जालि कभी हम कालू उसकी वजह यह है कि वो ये कहते थे लन तमसनारू अम्मा दूदात हमें हर गिज़ आग नहीं छुएगी मगर चंद दिन वो कहते हम दुनिया में जो भी कर लें पहली बात तो यह है कि हम झन्न में जाएंगे ही नहीं और अगर जहन्नम में चले भी गए तो चंद दिन ही जाएंगे और उसके बाद फिर जन्नत हमारी पक्की है सो वो अपनी मर्जी से जो मर्जी करते रहें तोरात को तब्दील करते रहें झील को तब्दील करते रहें जो मर्जी करते रहें जाना तो जन्नत में ही है जहन्नम में बस थोड़ी देर जाएंगे वकर्रहम फी दीन माकानू अफ तारून और उनके दीन के बारे में उन चीज़ों ने धोखे में डाल लिया जो खुद वो घटते थे अपनी मर्जी से अपनी सोच के मुताबिक जो चीज़ बयान कर ली सो उस पर आगे अपनी इमारत कायम कर ली फरमाया ये चीज़ उन्हें धोखे में मुबतला कर गई इस चीज़ ने उन्हें फ्रेब में मुबतला कर दिया और वो खराब हो गए और तबाह बर्बाद हो गए फकीय जमा हम लिया रही बफी फिर उनका हाल क्या होगा जब हम उन्हें जमा करेंगे उस दिन जिस दिन में कोई शक नहीं है क्यामत के दिन आएगा क्यामत के दिन सब इकट्ठे होंगे जमा होंगे अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे आमाल का हिसाब किताब देना होगा वफियत कुल नफसिम्मा का सबत हर जान ने जो किया होगा उसको पूरा पूरा दिया जाएगा जिसने जो कमाया होगा वो जाया नहीं होगा उसने गुनाह कमाए हैं तो वो उसके पास आएंगे नेकियां की हैं तो नेकियां मिलेंगी वहुम ला युजलमून और उन पर जुलम नहीं किया जाएगा सो क़यामत का जो मंजरनामा है हमें उसे पेशे नजर रखना चाहिए और अहल किताब की ये चीज़ें जो बार बार बयान की गई हैं एक तो उन्हें भी समझाया गया कि देखो ये तुम्हारे गलत रवैये हैं इनको छोड़ दो तरक कर दो और फिर हमें भी इससे इबरत पकड़नी चाहिए क्या हम कहीं अल्लाह मुआफ़ फरमाए तो उनके रस्ते पर तो नहीं चल पड़े कि हम ये समझते हैं कि हम नबी करीम अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं सो हम जो मर्जी करते रहे जन्नत तो हमारी पक्की है हम अल्लाह का कोई हुक्म ना माने हम नबी करीम अलैहि वसल्लम की कोई बात ना माने पहली बात तो ये है कि अगर हम कयामत वाले दिन वहाँ हाज़िर हुए तो वहीं से ही हम जन्नत में चले जाएंगे और अगर जन्नत में जाना भी पड़ा तो बस थोड़ी सी देर के लिए जाएंगे फिर क्या यही फ़िक्र हमारे अंदर तो परवान नहीं चढ़ गई और हमें बेअमली की तरफ़ नहीं ले गई नबी करीम अलैहि वसल्लम को ये चीज़ कतान पसंद नहीं थी ये बेखौफ़ी है यानी अल्लाह तबारक व ताला के अजाब से खौफ। अल्लाह तबारक व गफूर है रहीम है लेकिन अल्लाह तबारक व कहार भी है अल्लाह जब्बार भी है और सबसे बढ़कर यह है कि अल्लाह आदिल है वो अदल करने वाला और उसने जो इंसाफ के फैसले फरमाने हैं उसने फरमाने हैं सो हमें अहले किताब की इन आदात को पेश नज़र रखते हुए इनसे दूर रहना चाहिए और हमें अमल की तरफ़ आना चाहिए जो उन्होंने गलत काम किए उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए उन्होंने क्या गलत काम किए उन्होंने अल्लाह तबारक व ताली की आयात का इनकार किया जुबानी इनकार किया अमली भी इनकार किया उन्होंने एम बी कराम को नवज बिल्ला कत्ल किया उन्होंने इंसाफ का फैसला देने वाले और इंसाफ का साथ देने वालों को कत्ल किया और उन्होंने अल्लाह तबारक व ताल के अहकाम को हवा में उड़ा दिया और उस पर अमल करने की कतन कोशिश नहीं की फरमाया अल्लाह तबारक व ताली के अहकाम पर अमल करना ही हमारे लिए बेहतरी है और बेखौफ़ी नहीं हाँ अल्लाह ताली के रहमत से उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए कि हमें अल्लाह की रहमत से उम्मीद है अल्लाह हमारी बख्शिश फरमाएगा लेकिन इस उम्मीद के साथ साथ हमें बेखौफ़ नहीं होना चाहिए नबी रहमत सल्हसम के उम्मती होने का तकाजा ये है कि हम हुजूर की इतात करें और कुरान के अंदर जो हमें चीज़ें सिखाई गई हैं उनको समझ कर अमल करने की कोशिश करें अल्लाह करीम तौफीक तो अता फ़रमाए आमीन व आखिर दावाया रब्बिल आलमीन